नफरत वाले कमेंट्स डाल रहे थे और बहुत गलत चीजें कह रहे थे, बहुत ही फिल्थी चीजें, मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे थे। कोई लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं, कोई लोग को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है। तो आई थिंक मैं उन उन लोगों से हूँ जो जो ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव हूँ इन सब चीजों के बारे में। मैं कह रहा था कि असल जिंदगी में आप कितनी बार कौन सी बात को लेकर ट्रोल हुए हैं, और आपको कभी रिलेट करते हैं कि सोशल मीडिया इतना खतरनाक है कि जब मैं ट्रोल हुआ तो मुझे मेंटली कितना हैरेस हुआ। तो ये अगर कोई किस्सा है आपका अपना पर्सनल तो जी वो जी बताओ। है कुछ। लॉकडाउन के वक्त मैंने कुछ पोस्ट किया था, मुझे याद नहीं है, दो तीन बार मुझे याद नहीं है, लेकिन ओपिनियनेटेड कुछ पोस्ट था या कुछ ऐसे कुछ था, या नॉर्मल पोस्ट, लेकिन लोग बहुत ही नफरत वाले कमेंट्स डाल रहे थे और बहुत गलत चीजें कह रहे थे, बहुत ही फिल्थी चीजें, मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे थे। तो तब से मेरे कमेंट्स बंद है, एक्चुअली मैंने बंद कर किया, पर जी हुआ है मेरे साथ, एंड आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा गलत है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबके साथ होता है। आई थिंक नफरत फैलाना इस दुनिया को खत्म कर देगा, नफरत इस दुनिया को खत्म कर देगा, जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं वो, विद पर्सनल ग्रजेस एंड वॉर्स, और लड़ाइयों से, देशों की लड़ाइयों से और पर्सनल ग्रजेस से, ये दुनिया का क्या हाल है हम सब जानते हैं। तो नफरत फैलाना दुनिया को आगे नहीं बढ़ाए, प्यार फैलाना और रिस्पेक्ट फैलाना, प्यार और इज्जत फैलाना, एक दूसरे की इज्जत करना, और लिव एंड लेट लिव, लव एंड लेट लव, आई थिंक तब दुनिया आगे बढ़ सकती है, आई थिंक, एंड हम सब खुश रह सकते हैं। आपने आई थिंक फोटोज डाली थी, हस्बैंड वाइफ की आपने फोटो डाली थी, फिर आपने डिलीट कर दिया था। इतना ज्यादा ये प्रेशर था, मतलब इतना परेशान कर दिया था लोगों ने। जी, अब ये मैं आई थिंक अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, अलग 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 लोग के कोपिंग मैकेनिज्म्स अलग होते हैं, आई थिंक अलग, कोई लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं, कोई लोग को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है। तो आई थिंक मैं उन उन लोगों से हूँ जो जो ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव हूँ इन सब चीजों के बारे में। शायद मुझे बदलना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं बदलूँ, लेकिन जो चीज़ अनएथिकल लगती है मुझे, मैं बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं है टू इंडल्ज माई सेल्फ इन सच सिचुएशन सर्कमस्टांसेस एंड पीपल। आई हैव लर्न दैट, मैंने सीखा है कि इन सब से दूर रहना ही बेहतर है।